हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्लॉग जो कि एक्चुअली थोड़ा सा पुराना ब्लॉग है, जो कि जनवरी में ये ब्लॉग एक्चुअली शूट किया गया था और मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से ये ब्लॉग लाइव होने में इतना टाइम लग गया था। तो एक्चुअली ये ब्लॉग जो है, हम लोग कहीं घूमने गए थे मेरी इन लॉज के साथ, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिया मामा की ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी जिया के साथ। हाय बोलो, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। तो जिया अभी कहाँ जा रही है बताओ? कहाँ बताओ? क्रोकोडाइल देखने। जिया जा रही है एक जगह जहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल है। टिकर पड़ा है, टिकर पड़ा है। मामुनी कड़े जाऊ हाय। तो ये है सबसे बड़े भांजे, ये हमारे, और बाकी कौन है उधर वाले जो है व्हाइट शर्ट वाला और जैकेट वाला, वो है सेकंड वाले। एंड ये है मेरी जिया। और बाबू कहाँ है? बाबू और ये है मेरी भांजी जो पहले दिखा चुकी हूँ ये, और बाबू और एक जन है वो रास्ते में दिखाई देंगे आपको। बाय द वे, अच्छा बाबू बाय द वे इधर है, ये है छोटे वाले भांजे। तो यहाँ पे जो है मेरे तीन ननंद यहाँ पे मेरे पीछे खड़े हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हम एक्चुअली बाहर इसलिए खड़े हैं कि एक गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है, दूसरी गाड़ी नहीं आई है। तो गाड़ी आने के बाद हम निकलेंगे टिकरपड़ा के लिए। हम यहाँ पे अनुगुल से निकल गए हैं। 40 किलोमीटर जाने के बाद एक जगेट आता है जो स्पेशली टिकरपड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए बनाया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से है। तो यहाँ पे जो है पावर मेंबर के हिसाब से यहाँ पे टिकट करनी पड़ती है, या फिर 2-व्हीलर 4-व्हीलर आप कुछ भी लेके जाते हैं तो उसके लिए भी अलग से टिकट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे टिकट करने के लिए ही वेट कर रहे थे, एंड टिकट हो जाने के बाद हम अभी निकलेंगे टिकरपड़ा के लिए। तो टिकरपड़ा के यहाँ से जो है चेकेट से टिकरपड़ा यहाँ पे 20 किलोमीटर आते हैं। तो बीच बीच में बहुत सारे जो छोटे छोटे गांव भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कितने घना जंगल है, उसमें जाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये वाला प्लेस भी काफ़ी। तो गाइज हम जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं टिकरपड़ा में। एक्चुअली एक जगह हमें गाड़ी को पार्क करके फिर हम यहाँ पे पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक उड़ीसा का एक बड़ा सा नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि उसको महानदी कहा जाता है। तो ये जो है अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में टिकरपड़ा आता है, और ये जो पहाड़ आप देख सकते हैं पहाड़ के दूसरी तरफ जो है वो बौद्ध डिस्ट्रिक्ट आती है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है ये महानदी बीच में जाती है। तो कई चीज़ रास्ते से जब हम अंदर जाएंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह यहाँ पे सब कुछ है। और एंड ये एक रिसर्च सेंटर है जो कि क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस नदी के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल है रियली में यहाँ पे है। एंड यहाँ पे हम जा रहे हैं तो आगे जाएंगे तो छोटे छोटे क्रोकोडाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ बैठ के यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी कुछ है, तो यहाँ पे बच्चे आएंगे तो बोर नहीं होते हैं, आराम से खेल भी सकते हैं। तो अंदर यहाँ से जाते हैं तो हमें क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर मिलता है यहाँ इसके अंदर, जस्ट आगे आपको दिखाऊंगी कि Thank you.
तो गाइस यहाँ से मैं दिखाऊंगी आपको रियल क्रोकोडाइल, जो ये है रियल क्रोकोडाइल। आपको शायद लग सकता है कि रियल नहीं है, बट यहाँ पे ये रियल क्रोकोडाइल है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे हैं, आगे आपको मैं और भी बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने सुना था कि उधर जो जो नदी है, नदी से वो जो ये जो अंडे देते हैं, तो अंडे को वो कलेक्ट करके लेके आते हैं एंड यहाँ पे उनको जो बड़ा करके फिर बड़े हो जाने के बाद उनको जो है पानी में छोड़ देते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है बहुत सारे क्रोकोडाइल एंड टॉर्टेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि मगरमच्छ एंड कछुआ जो बोलते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सारे क्रोकोडाइल के नेम भी अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है बोर्ड लगा हुआ था, तो सबका अलग अलग नेम है। तो यहाँ पे लिखा गया था एक्चुअली तो गाइज यहाँ जो है मैं सबसे बड़े वाले क्रोकोडाइल जो है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी में ऐसे पड़े हुए हैं। उनको उनकी जो एक्चुअली मूवमेंट है ना बहुत स्लो है, उनको आपको पता नहीं चलेगा कि वो सो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे पता नहीं चलता है। बट उनके सामने कोई आ जाए तो उनका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है, तो इसीलिए इंसान को जनरली पता नहीं चलता है कि ये जिंदा है कि मर गया है, उसे पता नहीं चलता। लेकिन पानी में जाते ही उनका मूवमेंट बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे जो है हम काफ़ी टाइम यहाँ पे वेट कर रहे थे, शायद वो थोड़ा सा वॉक करेंगे तो हमने थोड़ा सा देखेंगे, बट यहाँ पे बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहे थे वो लोग। तो थोड़ी टाइम के बाद एक क्रोकोडाइल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना मुंह जो खोल के रखा था। तो ये सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े हैं। तो पता नहीं उसके सामने कोई इंसान या फिर कोई आ जाएगा तो वो क्या करें, बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल थे यहाँ पे। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की क्रोकोडाइल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसका मुंह थोड़ा सा लंबा है। तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे जो है बहुत टाइप की क्रोकोडाइल है आप देख सकते हैं। तो उसके सामने जो है यहाँ पे बोटिंग करने के लिए भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो, बट हमने नहीं किया था बिकॉज हमें वापस आना था और एक जगह जो बहुत दूर आना था, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुके नहीं है। देन हम यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेक्शन करने के लिए खड़े हुए थे यहाँ पे। तो ये है हमारी फैमिली मेंबर्स, जो कि मेरे सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ है। तो गाइज ये प्लेस जो है अमेजिंग प्लेस है, बट यहाँ पे जो है खाने पीने की इतनी फैसिलिटी इतना ज़्यादा नहीं है। तो कभी भी आप ऐसे प्लेस में आए तो खुद की खाने पीने की चीज़ें आप खुद लेके आओ तो बहुत सही है। एंड यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें एक्चुअली सही बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे जो है और एक चीज़, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करते, आपकी फ़ोन पूरा डेड है। तो कभी आप फ़ोन से अपनी मोबाइल से ये सब चीज़ों से छुटकारा पाते हैं पाना चाहते हैं तो ये सही है, ये जगह आ सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्स फील होगा। तो गाइज हम थोड़ा यहाँ पे आए हैं पानी के पास, जैसे कि ये जो है महानदी है, ये उड़ीसा की सबसे बड़े नदी जो है वो यही है। तो हमें यहाँ पे जो है बोटिंग नहीं करना था, तो हमें बस फोटो सेक्शन के लिए हम नीचे आए थे, क्योंकि मैंने जहाँ पे आपको क्रोकोडाइल दिखाई थी उसके सामने भी बोटिंग करने के लिए है। बट वहाँ पे जो है जो लोग ओनली बोटिंग करते हैं वो लोग पानी के पास जा सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और लोग वहाँ पे अलाउ नहीं करते। तो ये एक जगह है, आप पानी के पास जा सकते हो, फोटो सेक्शन अगर करना है तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं नेचुरल ब्यूटी यहाँ का, देख सकते कितना ज़्यादा अमेजिंग, एक तो नदी है, दूसरा बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पे। तो एक्चुअली इतनी सुंदर प्लेस है ये, तो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में एक्चुअली। तो किसी इस नदी के पास एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ की जो एक्चुअली लोग हैं वो यहाँ पे नाव एंड मोटर बोट जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कोई भी विजिटर्स यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे चाहो तो आप बोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक हमने जब बात किए थे वो आधा घंटे के लिए वो आपको पानी के अंदर घुमाएंगे एंड आपको जो है 800 आसपास ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सही है, क्योंकि आधा घंटा अगर पानी में आपको घुमाएंगे तो 800 वो बोल रहे थे। उसके साथ साथ बार्गेनिंग भी होती है, उनके साथ अगर बार्गेनिंग करोगे तो वो थोड़ा सा और भी कम कर सकते, लेकिन सही है इस टाइम में घूमने के लिए पानी के अंदर वो भी सही है, लेकिन हमें
टाइम नहीं था तो इसलिए हम लोग गए नहीं, वो चीज़ हमने मिस किया है उधर। तो गाइस ये नदी जो है आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, बट यहाँ पे नदी थोड़ा सा वाइड में देखा जाए तो थोड़ा सा छोटा है, बट ये जितना भी है तो ये बहुत ज़्यादा डीप है एंड बहुत सारे क्रोकोडाइल इस पानी के अंदर है। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे कुछ लोग बोल रहे थे कि पानी से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल जो है मिट्टी के ऊपर अभी चढ़ रहा है, तो हमें भी दूर से दिख रहा था कि कुछ तो पानी से गया है उधर। बहुत दूर हो जाता है क्योंकि पानी के दूसरे तरफ जो ये मिट्टी है तो मिट्टी के ऊपर क्रोकोडाइल पड़ा हुआ था, तो हमें दूर से दिखाई दे रहा था, लेकिन पास से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत दूर से दिखाई दे रहा था कि बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल लेक है। तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम में, हम वही बातें कर रहे थे एंड देख रहे थे वहाँ पे रियली में क्रोकोडाइल है कि क्या, ऐसे दूर से देख रहे थे बस। एंड सारे बच्चे जो है हमारे बस पत्थर उठा के पानी में डाल के बस यही खेल रहे हैं, बस जब से गए हैं पानी के पास बस उनका यही है, सब एक एक पत्थर उठा के सब पानी में डाल रहे, ये उनको बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली। तो गाइज़ हम जो है अभी घर वापस आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे थी हमारी टिकट पड़ा ट्रिप। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड उस टाइम में सारे फ़ोटोज़ जो है मैंने इंस्टाग्राम में ऑलरेडी शेयर की थी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहाँ पर मैं मेरी लाइफ की डेली अपडेट एंड शॉर्ट वीडियो में वहाँ पर शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की, लेकिन इंस्टाग्राम में मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ जो है पहले से मैंने शेयर कर चुकी हूँ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल बटन है बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।